This is an inspiring story of a woman fighting for her rights in a male-dominated society with positive energy. क्या बोल रहा था तू? रुक, What a lady! What a gutsy woman! I must take this. रुक, भेज दिया अभी तेरे बाप को, हाँ? 6 महीने अंदर, फिर पता चलेगा जो लड़कियों को छेड़ने का शौक है ना तुम लोगों का, यू खत्म, 2 मिनट में क्या? यू. Now let me send it. हेलो, आपको भेजा है. देख लो उसको. अंदर कर दो. इसको क्या हुआ? ये जो हैप्पी को लकी गाय, ही ऑलवेज ग्रीट्स मी. आई डोंट माइंड सर. कम कम, क्या हुआ? बहुत घबराए हो? नहीं सर, मेरी वाइफ. तेरी वाइफ है? इसको तो अभी अभी देखा. आपने कहा? She's a smart girl. कैसे बच निकली? मैं तो डर गया था खुद. मैंने सीन लिया, पुलिस को भेज दिया. अभी घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है. और वो गए? She's fine. जेल में गए? सब हो गया. She's absolutely super fine. But she is a smart girl. Congratulations. Thank you so much, sir. आपकी वजह से आज मेरी वाइफ. नहीं, कुछ नहीं. अच्छा, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है. मेरे से सब बोलोगे ना तो दिल हल्का हो जाएगा. नहीं सर, हमारी ना लव मैरिज. लगता है आपका इस कार से जन्मों का नाता है. गाड़ी चलाने में तो आप एकदम एक्सपर्ट. हूँ नहीं, पर हो जाऊंगी. यू नो, आई लव दिस कार. सिग्नल आ गया. कभी कभी तो ऐसा लगता है ना पूरी जिंदगी अपनी इस गाड़ी में गुजार दूं. अगर मेरा बस चले तो मैं भी अपनी पूरी जिंदगी इस कार में गुजार दूं. वैसे आप हैं बड़े इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग तो आप भी. ओह रियली? या. वैसे आपको गाड़ी की सवारी पसंद आई? जी, मुझे सवारी नहीं, सफर पसंद है. मतलब जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. हमें कहाँ पता था कि इस जिंदगी के मोड़ पे कब कौन कहाँ मिल जाए और कब कौन कहाँ बिछड़ जाए. जैसे कि आप. कुछ समझी नहीं मैं. जी जी, मैं कह रहा था कि सिग्नल खुल गया मैम, सिग्नल खुल गया. ये सिग्नल भी ना, पता नहीं जब भी मैं इस गाड़ी में बैठती हूँ ना तो मुझे रोड पे सिग्नल दिखाई ही नहीं देते. मुझे ऐसा लगता है बस चलाते जाओ. तो मैम अब चलें? जी. वैसे हाउ मच इट विल कॉस्ट? जस्ट ओनली 12 लाख. 12 लाख? यस. बहुत महंगी है. आप परेशान मत होइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये कार आपको कम से कम रेट में मिल जाए. आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं. यही है, और कुछ है? नहीं सर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं उसका सोल हूं या उसे सिर्फ कारों से प्यार है. कार? मेरे पेरेंट्स खिलाफ थे, इसलिए हमने लव मैरिज की, हमने कोई कुंडली मैच नहीं की.
कुंडली क्यों मैच नहीं की? सर मैं बिलीव नहीं करता। तू भेज देती हूँ अगर है सब तेरे पास, पूरा पूरा फाइल मेरे को फॉरवर्ड कर। यार सर राइट डू इट इमीडिएटली। त्रिवेदी यस द हॉरोस्कोप्स आर वंडरफुल, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड देयर लव इज एवरलास्टिंग। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मार्स एंड वीनस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हाउएवर इन अ वीक्स टाइम द ट्रांजिट सैटर्न इज लाइकली टू गिव प्रॉब्लम्स एंड फिजिकली द गर्ल इज लाइकली टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। Yes, you can definitely do it. You are a founder of astrology. I have seen you in the past applying this and being successful. Good luck to you. She loves you a lot. It's not the car. But she has a problem. What's up? She's very lucky for you. Because... देखो जैसे आपने बताया आपकी शादी के बाद आपको यहां नौकरी मिल गई और आपने खुद कहा कि कहां से कहां मैं ऊपर वाले ने मिल गया। yes. तो ये उसका लक है लेकिन अभी वो खतरे में। इज्जत और हेल्थ को काबू में रखो, पैसा तो आती जाती चीज है लेकिन इज्जत एक बार गई ना तो वो वापस नहीं आएगी। मुझ पे भरोसा करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और पैसा ही जरूरी है, पैसे से ही इज्जत बनती है। सो प्लीज लेट मी वर्क। एंड बाय द वे मेरा आज एयर शूट है, मुझे स्टूडियो जाना है और प्लीज मेरे पीछे मत आना। प्लीज वेट 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 वेट। अब क्या हुआ? Oh my God, this look like a warning. Please, please don't go. Please try to understand. It's like a trap. What are you talking? तुम पागल हो गए हो। Sheena, they want your dirty pictures. और तुम्हारी पिक्चर एक्सपोज भी कर सकते हैं। तुम्हें पता नहीं है? People are very bad. So it's a just please. Request to you. Please listen to me. Please don't go. Listen, Naresh. मैं मेरे looks पे select हुई हूँ. And by the way, they are good big brands. They are giving me good amount. I have to make money. मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम shoot मत करो. But ये एक trap है. तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है. Naresh. मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लॉजेस रीड किए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू गो बट ऑन वन कंडीशन, जस्ट राइट नाउ यू हैव टू सेंड मी द एड्रेस। हेलो, ये जो हमारा बिकनी का ब्रांड है ना, उसके लिए आई हैव अ मॉडल शीना। शी इज द हॉटेस्ट मॉडल वी हैव। ये मॉडल हमें बहुत कमा कर देगी। सी यू टुमारो, बी रेडी। या लेट अस नो, द कॉस्ट्यूम्स आर रियली अमेजिंग। आई थिंक वी हैव कॉट द जैकपॉट। ओके। Hey, of course. Ansari. Oh, hi. Yeah, I'll call you back. Just a minute. I'll call you back. Yeah, she's here. Ensure you don't forget the bikini shot. of course. Yeah, bye. I was really expecting you, yaar. Oh, really? And you're finally thank here. Thank you. By the way, I have a surprise for you. Is it? Yeah. Oh my God, you have been, show me. You have been selected as a model for our biggest brand. God, yes, really? Yes, oh. And the costumes are really here. Such a big surprise! Of course. Show me. Radhe, yes. Costumes. Oh my God, it's here. Look at this, yeah. Such a beautiful costume, yeah. The second one, bro. I'm sorry, seriously? Of course, yes. Of course, yes. And the second one. मैं इतना revealing dresses नहीं पहन सकती. God, look at that. Yes, this looks pretty much. I think this is life-changing moment for you, yeah? Of course, the third one. And this is it.
Is it amazing? Really? I told you, you'll love the surprise. Of course. Yes. Come on, makeup. Get ready. Put the dresses on. Okay. Let's go. Let's go. Bollywood, meri jaan. Bollywood, meri jaan. Bollywood, meri jaan. Bollywood. Bade khwab hai yahan. Hey, beautiful. You look good, Sheena. By the way, look at this. But I told you in the beginning only, na? I'm not comfortable. Listen, you look so beautiful in this. Ansari, I can't do this. I'm extremely sorry. और contract में कहीं भी नहीं लिखा है इतना revealing dress पहनने के लिए. You said कि normal designer dresses हैं. I said okay for that. Contract में सब कुछ mention है. मैंने कहा था ना. अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो ये फ्री के ड्रेसेस मॉडलिंग करियर सब कुछ भूल जाओ. कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई क्लोज नहीं है. सो यू कैन नॉट फोर्स मी. यू नो व्हाट, पहले तो ये वकील वाली बात है ना, अपने वकील से जाके करो. हाँ तो ठीक है ना, मेरा वकील बात करेगा तुमसे. सेकंड थिंग, लिसन टू मी. मैं क्या कह रहा हूँ, you know what, you should wear this. I mean, I'm sorry, don't you force me at all. Maine kaha just वजह से तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंची है. काश मैं जिद नहीं करती तो मैं आज अंधी नहीं होती. कोई बात नहीं, मेरी बेवकूफी है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. और हमने जो ऑपरेशन कराया है बेस्ट सर्जन से कराया है. जो ये सर्जन है मेरे बॉस के बहुत अच्छे दोस्त. मैं छोड़ूंगी नहीं पर उसे, मैं उस कमीने को छोड़ूंगी नहीं. मैंने सब रिकॉर्ड किया है. Should wear this. I mean, I'm sorry, don't you force me at all. मैंने कहा ना. मैं उसे जेल की हवा खिलाऊंगी. उसे मेरे को अंधा कर दिया. हम इसका बदला जरूर लेंगे. Thomas, Alok, hey, Thomas. What's so urgent? Come on, I'll show you this. Look at this. What? You know what? You should wear this. I mean, I'm sorry, don't you force me at all. मैंने कहा ना. This is evidence that your man slapped this girl and she would have lost the eye. Oh my God! She was operated now. I have been told that the operation was 100% successful. Cyrus Mehta has done it. So I'm overly sure. But there's a lot of compensation. And this will become a police case unless I tell you to give me all the money that they need, the couple needs. What choice do I have? You don't have a choice. You get a very bad image with a police case. Thanks, sure. Alok. Thanks. Thanks for saving. Thanks. Thank you very much. Cyrus. Yeah, hi. How did it go? No, I think her eye should be fine now. We managed to get to it right in time. Wow. How do I compensate? Yeah, no, nothing required at all. Just say it's a gift from me. Thank you. Thanks, buddy. नरेश. हेलो सर. अभी देखो थॉमस साहब आए थे, उसको मैंने वीडियो क्लिप दिखाया जो आपने दिखाया अंसारी के थप्पड़ का. यस सर.
तो कॉम्पेंसेशन मैंने ले लिया है उससे 20 लाख का, उसके अकाउंट में आ जाएगा जैसे मैंने बोला था। ओके सर। और दूसरी बात, ये ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल है और डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला बिल्कुल सक्सेसफुल है। और वो पैसे भी नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे वो अफोर्डेबल नहीं है पेशेंट के लिए, वो लेता नहीं है पैसे। तो मैंने तो उसको बहुत थैंक यू बोला, सलाम किया। थैंक यू सो मच सर। सर मैं तो सच में बहुत ज्यादा घबरा गया था कि शीना की रोशनी वापस आएगी कि नहीं आएगी, मतलब बस रात दिन यही चिंता लगी रहती थी। बट आपको मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है सर। तो आपके पास अभी काफी पैसे हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं आप लोगों की पूरी कर लो, ठीक है? चलो गुड लक, गॉड ब्लेस। प्यार जुबां से नहीं नजरों से किया जाता है, प्यार जुबां से नहीं नजरों से किया जाता है। प्यार जुबां से नहीं नजरों से किया जाता है, प्यार जुबां से नहीं नजरों से किया जाता है। ये वो जाम है जो सिर्फ, ये वो जाम है जो सिर्फ आँखों से पिया जाता है। प्यार जुबां से नहीं नजरों से किया जाता है, प्यार जुबां से नहीं नजरों से किया जाता है। जो जाहिर करती है फिर डरती है, नजर बेलगाम है इसके इशारे पर, सारी दुनिया मरती है, सारी दुनिया मरती है। प्यार जुबां से नहीं नजरों से किया जाता है, प्यार जुबां से नहीं नजरों से किया जाता है। I'm sorry. The hell with your thoughts. Listen, I can't take this nonsense any longer. Just don't shout at me. No. Please listen to me. It's not my fault. You know, do you know how am I responsible for this? You were constantly pushing me for the bikini shoot, and what was the result for it? I ended up slapping her. This is absolute nonsense. Your actions have cost me so dearly. You know what is 20 lakhs? I have paid 20 lakhs. How am I responsible for that 20 lakhs? No, sorry. Listen to me now. I have enough nonsense from you. Enough. Please, Mr. Thomas, see. I am already in a very bad shape. You're still blaming him. No. Listen to me. 20 lakhs is 10 times your monthly income, okay? It was not my fault. That 20 lakhs, how am I responsible for that 20 lakhs? You better start making my 20 lakhs. And I'm already in a regret. No, I am telling you. No, straightforward, start working hard. Make this 20 lakhs your sack, otherwise. What? Yes. Is that final? Good. Then even I have called you for the same thing. Now I don't want to work with you. Hello. Why did Thomas talk to you like that? मैं सब सुन रही थी। अब मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी। I'm coming home. Just look at this. अरे फोन छोड़ो, look at this. Do you like it? ओहो, impressive designs यार। ये मेरी 6 महीने की मेहनत है and I'm not going to share this with Thomas.
He doesn't give a shit about it. He doesn't give a shit about anything. मुझे ऐसा लगता है हमारे पास सब कुछ है. We have got a vision, fashion sense. We can set a remarkable standard in the industry. So why not? Let's begin something. But यार एक major issue है. क्या? Skills और talent ठीक है, but our joint savings 10 lakh भी नहीं है यार. It's not even 10 lakhs. और शीना, बॉस ने उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए ऑलरेडी डाल दिए. यार क्या नहीं है उसके पास? पैसा, नेटवर्क, मॉडल्स, एवरीथिंग. शीना, हु शी? शीना, जिसको थप्पड़ मार दिया था मैंने. व्हाट? आई थिंक यू शुड मेक इट अप टू हर, बी फ्रेंड्स विद हर. यार एक्चुअली यू आर राइट. हम एक काम करते हैं, उसको उसको ना बिजनेस पार्टनर बना लेंगे. शील, यू नो, एक रास्ता मेरी गलती का, रियलाइजेशन का, और उसको एक सॉरी बोलने का तरीका हो जाएगा. बट यार व्हाई विल शी? एटलीस्ट ट्राई. मैं स्पीकर पे डाल देता हूँ. हेलो हेलो शीना, I'm sorry यार, प्लीज फोन मत काटना यार, मेरी बात ध्यान से सुनो. सुनने के लिए कुछ बाकी बचा है क्या? हाँ, तूने तो मेरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया. यार मेरी गलती नहीं थी, मैंने थॉमस के दबाव के कारण दारू पी ली थी, बिल्कुल काबू में नहीं था. क्या कहूँ यार, सिर्फ इतना कहूंगा कि अब कभी जिंदगी में नहीं पीऊंगा. एक मौका दो यार शीना, अब साथ में काम करेंगे अल्लाह कसम. थॉमस को दिखा देंगे कि आर्ट किसे कहते हैं. शीना, आयशा इज अ स्पेशलिस्ट एंड ट्रेन्ड इन फैशन डिजाइन. आई विल एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट्स विद यू एंड ग्रुप ऑफ मॉडल्स, एंड तुम उनकी मार्केटिंग हैंडल करोगे. हमारे बीच में हम 1/3 पार्टनरशिप रखेंगे, यू मी एंड आयशा. नहीं 50-50% की पार्टनरशिप चाहिए, और जिसमें मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेंगे. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए विमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करती हूँ, यू नो, और मैं एक्टिव मेंबर हूँ. एक्चुअली आई एम इन्वॉल्व इन सिक्योरिंग इन्वेस्टमेंट एंड फंड्स. ओके, सो मैं न्यू वेंचर के लिए एप्लीकेशन डाल सकती हूँ, फंडिंग थोड़ी वहाँ से अप्रूव करवा सकती हूँ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एग्री कि मेरे हस्बैंड इसमें रहेंगे, मेरे साथ में रहेंगे, मेरे सपोर्ट में रहेंगे. ओके, कल कॉफी शॉप पर मिलते हैं. Hi, hi, hi. How are you, Aisha? Hi, how are you? Nice to meet you. Yes, so thrilled to meet you. I've heard so much about you from Ansari. Yeah, I have already given her a brief about you. Thanks, so guys. Yeah. I'm very happy and very excited and absolutely ready for the new venture. Okay. So, what all have you decided? Ask him. I mean, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें जब भी जो भी काम मिलेगा एज पर भी नीड, हम लोग स्टूडियो ऑन रेंट हायर कर लेंगे. लेकिन स्टूडियो तो हम जब भी हायर करते थे हम थॉमस के साथ करते थे. सिंस दिस इज अ न्यू वेंचर, तो यार लेट्स गिव इट अ नेम. नाम, सी गाइस, इसका नाम श्री हर्ष प्रोडक्शंस रखते हैं. श्री हर्ष फोटोग्राफी के अंदर श्री हर्ष प्रोडक्शंस या फिर श्री हर्ष फैशन सारे टाइटल आ जाएंगे. एंड इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि एक बहुत ही पॉजिटिविटी एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यू नो. एंड सेकंड थिंग इज कि श्री हर्ष प्रोडक्शंस के नाम से ऑलरेडी हमारा एक बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है. एंड दिस इज आवर करंट अकाउंट गाइस, सो इट्स ऑलरेडी अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी एंड वेल एस्टैब्लिश्ड नेम, सो वी कैन यूज दैट. And इसका हमें benefit भी काफी मिल सकते हैं, you know. Sorted. Exactly. So I think we got all the setup there. Yeah. Right. Yeah, good to go. So let's give a cheer to Shriya's fashion. Yes. Yes. थप्पड़ खा के भी तुम्हारा दिमाग नहीं सुधरा. आँख का इलाज तो हो गया, लेकिन दिमाग का इलाज कौन करेगा?
नरेश अंसारी की गलती नहीं है इसमें यार, उस पे बॉस का प्रेशर था, फिर एंड में मैंने भी उसे फक ऑफ बोला ना, तो बस वो हर्ट हो गया, उसको बेकाबू हो गया वो। तुम एक बार की बात समझ में नहीं आती यार, 50% की पार्टी, मैं नहीं चाहता कि तुम उनके साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व। यार 50% का शेयर दे रहे हैं। अरे मैं नहीं चाहता 50% का शेयर, तुम भूल कैसे जाती हो? मतलब जो पहले हो चुका है तुम्हारे साथ, इसकी क्या श्योरिटी है कि दोबारा नहीं होगा? तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं? मैंने एक बात समझा, या तुम दोनों से दूर रहो वरना अच्छा नहीं, और उस संसारी को ना तो मैं देख लूंगा भी। हेलो सर। नरेश, I want you to help me out. I want to teach Ansari a lesson. I'll get Ansari arrested right now. I have enough proof of his doing. You just have to be a witness. Sir, मेरी अभी की actually मेरी boss से बात नहीं हुई और उनका call भी नहीं लग रहा है। Don't worry, Naresh, my son. Alok will be proud of you. He's my dear friend. From the time you were not even born. You know everything. One word from him, I put 20 lakhs in Sheena's account. Thank you so much. I'm grateful to you and your friendship. We both think alike. Now follow each step as I tell you. And don't worry. I will try to be in touch with Alok. Okay, sir. Bye. अंसारी कौन है? अंसारी कौन है? सर, आई एम अंसारी, बोलिए ना। आपको मेरे साथ चलना होगा। This is your warrant. चलिए प्लीज। चलिए। सर मैंने क्या किया? प्लीज चलिए। सर चलिए। What did I do? सर, शीना। आयशा। Yes. यार एक प्रॉब्लम है। What's wrong? क्या हुआ? देखना, वकील का मैसेज आया है, उसको बेल तो नहीं मिलने वाला यार। What? वो बोल रहा है केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको बेल नहीं मिलेगा। He is a dangerous man with obsessive compulsive disorder. देखना। Shoot me. Shit. अब क्या होगा? देख, कोई रास्ता नहीं है अब। जब तक तू और मैं हार्ड वर्क करके ना सक्सेसफुल नहीं हो जाते ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बट आज की डेट में ना वुमेन एम्पावरमेंट इज द ओनली वे आउट। तुझे और मुझे ना बिजनेस में एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा। जब भी हमारा बिजनेस ग्रो होगा तो लोग हमारे टर्म्स पे चलेंगे, और जब हमारे टर्म्स होंगे तो हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा ना। तो चिंता मत कर, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। यस, आई थिंक यू आर राइट। सक्सेस इज द ओनली वे शीना, और ये हमारी जिम्मेदारी है। राइट, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स। यस, ओके। हाय सर, हाउ आर यू? हे त्रिश, गुड यू कॉल। वेयर आर यू? ऑन वेकेशन। आई एम ऑन अ हॉलिडे। ओके सर। यस, गुड यू कॉल, बिकॉज़ नरेश एंड थॉमस हैव टू बी टोल्ड टू सी दैट अंसारी इज बेल्ड आउट। इट्स फॉर देयर गुड। दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। What do you say? Have they done something wrong? Yes, they have done something wrong. Okay, I'll complete all the formalities. Yeah, and make him sign the document and get back to you. Okay. Also, Mrs. Sheena Tyagi from Shri Harsh Fashions had called. She wants us to be guarantors for her loan. Amount is 50 lakhs. It's just 50 lakhs. Okay, do it. Now, just do it. Okay with you? All right. Okay, I'll get it done. Okay, thank you. Why did you make me get that bastard out, Alok? For your own good, man. How? How? If you... Because he would have sued you. What? Yeah. How? And
Sheena would have been a witness. Why Sheena? She was slapped. Yeah, but she's doing business with him today. What? Yeah. She's doing business with him today. So if she would have, this court battle would have gone on and on. The lawyers would have made money. You would have lost your image, money, everything. I know you've lost a lot of money. I realize the day you lost it, okay, that you won't be able to bear it. So I looked at it positively and I said, okay, this man is going to make at least four times that money and I'm going to make it happen. Look, I don't want your money. It's not my money. It's your money. You have got a contract today. What? Yeah, you have a... Really? You have a 1.75 crore contract. Oh my God. My God. But there is a point. There is a problem. You have thrown out that lady, you have thrown out this guy. How are you going to manage the fashion part? Do you have the designers with you? No. So the only way out for you is to make clean money. Give them the order to do everything. Let them do everything. I'll make all that happen. Let them do everything. And you collect your clean 75 or 80 or whatever you can negotiate with them. Subcontract? Yeah, just contract it out. Wow, Alok, what an idea. Yes, I'll do anything for you, man. I know when I did that. You are amazing, Alok. I knew what I was doing wrong and I knew how to get it. You are such an amazing man. It'll happen. It'll happen. Thank you, sir. Great. Thank you. Thank you. Thank you. Excellent. Thank you. Hey, Sheena. Mera bhai ghar aa gaya, yaar. He has been released from the top authorities. Teri zimmedari yahan puri hoti hai. I'm so happy. Finally. Hey, has Thomas come? Hey, Thomas Newman. So, are you happy now? Hey. And did you tell Ramesh? Oh, Naresh, come on. Dekho, isme kya hota tha? केवल वकीलों का फायदा होता था, आप लोग दोनों का इतना नुकसान होता है। देखो, केस ऐसा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि आप उड़ जाओ बिल्कुल। और आपकी बीबी, इतना नुकसान, बेकार हो जाएगा। कौन कमाएंगे? वकील लोग। वकील लोग तो ये बोले, अब इसको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो भी समझ गया है कि ये सब जरूरत नहीं है इसको करने। और ये लड़की आयशा बहुत होशियार है। आपकी वाइफ शीना, she is the one who is going to take the thing up, you know, your wife. Tell me, I told you that she loves you. अगर ये लफड़े से आपको निकालने वाली ये है, और women empowerment ने इसको ऊपर किया है, और ये बिचारा इसका कोई fault नहीं, इसने क्या गलत किया? ये तो दारू के नशे में था, इसका fault किसका है? He's a victim of circumstances. And the circumstances were governed by her, uski lalach, aur ye bikini shoot wale ki tha. Ab is bichare ka kya hua? When no legal battles are fought and no arguments to be sought, in the space where justice is pure, every soul treated with care and for show. No need for legalities or endless debates. No winners, no losers, no harsh fates. Instead, a system built on understanding, where compassion and results are outstanding. जहां दो आत्माएं जुड़ जाती हैं, दिल ने दिल से दौर पिरोई है, नरेश शीना पर काबू चाहता है, शीना ख्वाबों में ही खोई है. नाकामी नरेश में उबलती है, अरमानों पर चलता नहीं कोई जोर, शीना तो ऊंची उड़ान भरती है, यादों के सिवा नहीं कुछ और. अच्छा लग है, this is actually good, but I think कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऑल्टर करना पड़ेगा इसको. I think इसकी लेंथ थोड़ा कम करते हैं एंड जो नेकलाइन है ना, जो इसकी नेकलाइन है, I think इसको थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे ना तो ये ज्यादा अच्छा लुक देगा. आई थिंक लाइक दिस, लेट्स सी, ट्राई, सी लाइक दिस एंड देन नॉट दिस, सी आई थिंक यस.
Oh my god! You're a genius! Super fine, right? Yes! Take a picture of this! Yes. Now it looks little sexy, you know? Yeah, absolutely! Wow! Mast lag raha hai! Classy dude! See? You are brilliant! Alteration, actually. Yeah, yeah. Alteration, kya? Sexy bana deti hai dress, right? No! No, we don't do swimwear and lingerie shoots. Yeah. Who is he talking to? Yeah. Ye, पता नहीं किससे बात चल रही है जिसकी. Yes, yes, yes. You are right. I know we have done this before, but only if it is designed by Shri Harsh Fashions. You get it? बारे में बात चल रही है. Yeah. No, we handle all the shoots and designs. We also do garment shoots, but except lingerie and two piece. Yeah. Ansari? Yeah. किससे बात चल रही है? Okay. Yeah. Okay. किससे बात चल रही है? Thomas का client है. Thomas का client. हाँ. हम तो my designs. अरे हम तो sub vendor हैं. लेकिन you know what? मैं से directly बात करता हूँ. यार उसको ना two piece bikinis और वो चाहिए. Lingerie. तेरा दिमाग खराब हो गया है? Look at that guy. What happened? Now Alok has secured a very big contract for Thomas. Oh. But only on condition that he subcontracts some part of Shri Harsh Fashions. Yeah. Oh. Great, yaar. Mm-hmm. Yeah. That's great. But there is a problem. What? It includes bikini and lingerie. That's great. I can model them. I have the best patterns. And I can do it. See, you won't model them. Why not? उसकी अपनी डिजाइन से है, वो चाहे तो पहन ले। प्रॉब्लम क्या है? You know what? You won't model them. You know a lot of models, so get me some. They are too expensive. We can't even afford them. Thomas को बोलो थोड़े प्राइस बढ़ाए। क्या? Thomas को बोलो। Of course. I have a long time negotiating with him. He will never agree to that term, guys. Come on. मैं दूसरे मॉडल्स को अपने पैटर्न नहीं दूंगी और तुमने शीना को फोर्स क्यों किया हाँ फॉर द टू पीस बिकनी शूट एंड यस टेल मी यू स्लैप्ड मी टू मैन मैंने मना किया तो तुमने मुझे थप्पड़ मारा तुम भूल गए और अभी तुम वापस से वही कर रहे हो अंसारी अभी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी काम करना है तो तरीके से करो ये कंपनी है अदरवाइज रेप अप कर दो नहीं चाहिए नहीं करना है कोई काम हेलो नरेश यार तुम ना सही थे अंसारी ना सच में विश्वासघाती है I have to teach him a lesson. उसे काम करना है तो मेरे तरीके से करना होगा अदरवाइज मैं उसके साथ काम नहीं करने वाली नरेश Don't ever call. नरेश I said don't ever call me again, okay? नरेश तुम्हें क्या हो गया है कैसी बात कर रहे हो यार तुम मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है मुझे तो कुछ करके दिखाना ही है ना तुम ना मुझसे बात ही मत करो रख दो यार फोन बाय दिमाग खराब कर दिया मेरा और क्या करूं कोई सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा कुछ तो समझ में आ रहा है राइट Yeah. Hi. Hello. Hello, sir. Let's do it on the big screen. Yeah. Okay. Welcome, guys. I think this is the best way to do it.
Lack of time. What can we do? Okay. Let's be transparent. Let's come out with everything. Yes, I'm sorry. I did not meet you. I wanted to meet all of you. Sheena, tell us. वैसे तो मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी बट अभी ठीक है, हम सब साथ में हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको बहुत 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 थैंक यू बोलना है कि आपने हमारे लोन्स की गारंटी ली एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि आपने हमारी इतनी हेल्प की. लेकिन अभी अंसारी फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. वाह, बहुत सोचती है. देखो अंसारी, सब सोच रही है तेरे लिए और आपके लिए. ओके, नाउ लेट्स डिसाइड हाउ डू वी डील, व्हाट डू वी डू. यस सर, सो आई वांट टू एग्जीक्यूट माय डिजाइंस एंड मुझे ये नहीं सोचना है कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है. मैं खुद कर सकती हूँ. कॉन्टैक्ट शीट सर, तेरा जिम्मा मैंने लिया, भाई हूँ तेरा. एक्चुअली सर, यू नो व्हाट, वी आर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड. शी वोंट अंडरस्टैंड. नो, नॉट एट ऑल. He is lying. मेरे फादर बिल्कुल ऐसे नहीं है. Yes sir, I am a liar. Yes. You are. I lie. Sir. My life is a lie, and so is everyone's. This is how you talk. Excuse me, guys. It's not about you two. It's about business. मैंने अपनी पूरी life sacrifice की है sir. इन दोनों को समझ नहीं आ रहा है. Truly so. Business में इतने losses कर चुके हैं और फिर से again अंसारी वही two piece के पीछे पड़ गया है. अभी जो भी है हम बिजनेस नहीं करेंगे. अभी जो भी लॉसेस हुए हैं उसको कट डाउन करते हैं एंड वाइंड अप करते हैं, बंद कर देते हैं और ये दोनों भी और मैं भी गांव चले जाते हैं. आई कांट लीव मुंबई सर. प्लीज आप समझाइए, आप कुछ बोलिए ना. बिजनेस बंद हो गया ना तो लोग हम पे थूकेंगे. बिजनेस तो बंद होगा ही होगा, नुकसान तो होगा ही होगा सर, हमारी इज्जत भी चली जाएगी. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, प्लीज आप हेल्प कीजिए. अभी क्या करना है. ओके अंसारी, व्हाट यू वांट टू डू. अब देखो, आप ही को सुलझाना है, आप ही ने उलझाया है, सब सच सामने है. करना क्या है आपको, काम तो आगे बढ़ना है ना. अब देखो, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, आप एक ही जगह पे अटक गए हो, स्विमवेयर लॉन्जरी. व्हाई? So you decide. What is this whole thing about? Is the whole contract about your bikini shorts? Two-piece bikini? Or is it about lingerie? It's only a small portion of that. We'll cross the bridge when we come to it. Let's see if we are capable of doing anything here first. The way you guys are fighting, what are you going to do? Sheena, you've taken it upon yourself to do something. Let's see what he can do. Naresh is not helping at all. But I see Sheena picking up finance very well. We don't have to depend on Naresh. And if she is able to do that work, why not? Let her do it. It's easier. Three people than four. I can tell you that much. I want you all to get together and show us the way. Good luck. God bless. What do you think you're doing? Going through my papers without my permission? Are you a lawyer? I'm out of sir duty. और मुझे पूरी permission है कि मैं paper check कर सकता हूँ. और उनकी गैर मौजूदगी में मुझे ये check करना है कि श्रीहर्ष के बीच में client के बीच में क्या contract sign हुआ है. You have no business here. You have no locus going through my papers without my permission. Excuse me. I'm his confidant. और मुझे पूरी permission है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं ऑफिस के कोई भी पेपर चेक कर सकता हूं.
Hi, Naresh. Mr. Thomas, I want to talk to you. अरे वो आपके क्लाइंट से डायरेक्टली डील कर। What are you saying, Naresh? I'm 100% sure. Sir, is that the call? To talk to my client? पूरा इन्वेस्टिगेट किया है Mr. Thomas. अरे he has to refuse a big me shoot. He's a sub vendor. Going direct? Alok should know this. Please, एक बार उससे बात कीजिए और I will call him up. Naresh, my son, you keep in touch with me and check out their each and every move. Take care. Alok. Yeah. Alok, what's happening? What? You don't know? No. Naresh has told me everything. Son, that turncoat has told my client he refuses to do the bikini and lingerie shoot. How news travels. I have a show cause notice from them. Mr. Alok Chatterjee. This is not fair. You have finished me off. You cool off, guy. I'll see what can be done. You cool off. Okay. Why? I've been let down by that scoundrel. Again! I did what you asked me to do. Hey, wait, what's going on? You've not been let down. Unless you believe so. If you believe it, yes, you have been let down. Not otherwise. Why? Why? Life is what it is. There's no why to life. If you believe it's good, it's damn well going to be good. And let me tell you, it's very promising. To me, it looks very promising. Can you guarantee that? Yes. If you behave yourself, absolutely yes. If you believe in it, yes. Can you show me the way? I would love to do that. Okay, back up, boy. We're going. Where? Hawaii! Hawaii! What for? What meditation! Starts to sway. Meditation is here to guide us on our way. Hey, breathe in, breathe out, find your inner peace. Let go of desires and let your worries cease. So let's embrace the funky meditation vibe and ride the wave of peace. Let our spirits thrive. Hey, breathe in, breathe out, find your inner peace. Let go of desires and let your worries cease. Goals. Meditation.
Thomas, how's it going? Jeez. Put it on speaker. Put it on speaker. Hey, Thomas, sir. Hello? Very nice, very amazing. Balance to come. Boys have worked very hard. Presentation excellent. Really? Oh, what you sent me was amazing. You really like? Good job, Thomas. We did a lot of work there. You know, we put in so much of effort in making this it's fantastic, right? You like it? Excellent. Oh, please send more. I love it. I appreciate. Thank you for your call. Helps me. We'll do a good job. Thank you, Thomas. Thank you, Thomas. Hey, we have to take more money for them. How did this happen? It was bound to happen. How? See, you stopped believing anything wrong, and everything was right. It's true. That's what life is all about. You are so right. It's I can't believe what has happened today. Now, all good, what has happened? So, the guys are doing well? Okay, right. मैं खुश होती हूँ ये सोच के कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन नहीं, वो खुश नहीं है मुझे देख के। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मैं खुश हूँ। उसको इस चीज से खुशी मिलेगी कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप खत्म कर दूँ। No, no way. That's not the way. Yeah. Not at all, yeah. Yeah, that's not possible. Please tell me. Exactly my point. मैं ग्रो कर रही हूँ। लेकिन वो खुश नहीं है तो भी मैं क्या करूं, मैं कितना टॉलरेट करूंगी उसको। बट नाउ आई डिसाइडेड मैं अभी अलग रहने वाली हूँ। मैं आई विल गेट वन अनदर हाउस। मेरी जिंदगी हेल बना दी है उस आदमी ने। अभी मुझे उसको उसके हाल भी छोड़ना पड़ेगा। वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू एटलीस्ट घर में बैठ के पिए, बाहर ड्रामा ना हो। ये डेली बाहर जाना, पुलिस का पकड़ना, फिर कभी उसको एक्स्ट्रा चलान कट रहा है, कभी वो ड्रिंक करके ड्रामा कर रहा है, ओवर ड्रिंक करके घर में आ रहा है। मैं ना परेशान हो गई हूँ सारी चीजों से। अभी तो मैं सेपरेट घर लेने वाली हूँ एंड आई वांट अ पीसफुल लाइफ। एट लीस्ट आई वांट टू लीव फॉर माय सेल्फ। शीना, ओके, जस्ट अ सेकंड। यू नो व्हाट, आई गेट समथिंग टू ड्रिंक। या शीना, यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। कम ऑन, यू गाइस आर सोलमेट। Think you're getting it right? Yes, I want to give him some space so that he will find out ki what
exactly he is doing is right for us or wrong. सुन, तू ज़्यादा upset है, तू देख Spotify पे तपन घोष का song, दिल अटूट है, and you will love it. तुझे हर एक चीज़ का solution मिल जाएगा. Yeah, exactly this song. दिल टूट है, लाख जमाने का पैरा हो, दर्द ही दवा है, गांव चाहे गहरा हो, लगाव से अलग होना ही जख्मों की दवा है, नमक को छिड़कना ये दर्द ही रास्ता है. दिल टूट है, लाख जमाने का पैरा हो, उतनी ही दर्दनाक दवा जितना गहरा जख्म, जला दे लेकिन हर घाव का नमक मरम, न चाहते भी सच का सामना होता है, उम्मीद के सहारे चलते हैं दिल रोता है, बड़े नाज से जिसे बनाया था दिल का मेहमान, उसी राहते जान को समझना पड़ा अनजान. एक अनमोल अमानत हाथों से निकल गई, देवदास बन गए तो जिंदगी फिसल गई. दिल टूट है, लाख जमाने का पैरा हो, दर्द ही दवा है, गांव चाहे गहरा हो, लगाव से अलग होना ही जख्मों की दवा है, नमक को छिड़कना ये दर्द ही रास्ता है. दिल टूट है, लाख जमाने का पैरा हो. मस्त है यार, इट्स रियली अमेजिंग, लुक एट द व्यू. मैंने काउच पे देखा है? हाँ ऑफ कोर्स देखा होगा, ये काउच है ना मेरा बहुत फेवरेट है, और ये मेरे पुराने घर में था लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया. और क्या क्या लाएगी? और तो याद है. शीना, शीना, आयशा, अंसारी नरेश के यहाँ गया है. What? हाँ. तू पागल हो गई है? क्यों उसे जाने कैसे दिया? ये टाइम पे वो बहुत दारू पीता है, वो उसे मार सकता है, कुछ कर देगा पागल. यार तू मेरी बात तो समझ यार. This is not good यार, क्या कर रहा है तू? शीना की हालत देख यार. उसके लिए ये सब कितना डिफिकल्ट है यार, तू सोच तो सही. दिस इज नॉट द वे यार. बोला तू जा यहां से. बात समझ. मैंने तुझे बोला ना तू जा यहां से. ठीक है मैं समझता हूँ तू मुझसे नाराज है, छोड़ ये सब छोड़. बोला जाना यहां से. नरेश, नरेश, तुझे बोला था मेरे और मेरे बीवी के मैटर में बोलना नहीं. जस्ट बीइंग कंसी. Hi. Hi. Are you okay? ये इसने किया?
हाँ किसको? नरेश, are you crazy? तुमने क्या किया नरेश? नरेश छोड़ो इसे, नरेश, 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 I'm आयशा, नरेश, शीना, शीना, नरेश क्या कर रहे हो शीना? Out. Dear Trish, Sheena won't be there, she's been sedated, I know. But I want to meet Aisha and her bro and let me see what they have to say. क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम. What? No, don't say that. Sheena will collapse. The fact is fact, yeah. उसे बचना होगा. Yes. Don't say that, because it will become a police case and you all are going to go behind bars. Sit down, please sit down. Yes, Trish. So you take his, whatever he, you record whatever he's saying. Whatever the watchman is saying, record everything and keep it that way. No, don't inform the police as yet till I tell you. क्या हुआ था? आप लोग तीनों वहाँ, what kind of agenda was that? Did you have an agenda? All three of you there at the same time? How I've got this information? Because it is my business. Naresh is my employee. We have to take care of our employees. Today we will not let the police interfere. But you have made a wrong statement there by saying that it was an accident. It wasn't an accident. Now please tell me. Tell me everything. I will tell you everything. Okay. Nice. Serious situation. Let's not pray. We all we can do is pray. Jai Siya Ram. Aaj ka din. Siya Ram. Sab theek kar do. Jai Siya Ram. We need to pray. Otherwise, Sheena is in great trouble. Although she does it in defense. Her sweetheart was in trouble. She really cares for you.
हूँ। But I can get her hospitalized. As far as you're concerned, you go scot-free. You haven't done anything wrong. You will be the accomplice. Although here, the main culprit is Naresh. But he's also the victim. And if he's living, you don't have a care in the world. You don't have to worry at all. Because the problem lies with Naresh. But what if he dies? No. He's more likely to die. I am going to do everything possible with medical care because he is my employee. But Jai Siaram, Unihikar. Thank you for being frank. Thank you. All the best. What is my fault? इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी कोई गलती नहीं है, मगर ये पूरा सिचुएशन ही गलत है। सिचुएशन? ये सारी गलती ना उस नरेश की, उसी की वजह से हो। नरेश? नरेश की गलती कहाँ से हो गई? ये तेरी गलती है, ठीक मेरी? है? हाँ, of course. जब वो पी रहा था, तो जाने की जरूरत क्या थी वहाँ पे? यार मैंने जो किया ना, हेलो, मैंने जो किया ना उसकी भलाई के लिए किया। यहाँ तक कि झूठ तक बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, वरना ये जो शीना है ना, ये जेल में होती। I understand. और तू इतना सब कुछ करता हूँ फिर भी कोई कदर नहीं, कोई फिक्र नहीं। भाई तेरी पसंद नापसंद का ध्यान कौन रखता है? भाई मैं सब समझ रही हूँ, मुझे तेरी फिक्र है। ऐसा नहीं कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है, मैं नरेश के लिए इसीलिए कह रही हूँ कि अगर उसे कुछ हो गया ना तो शीना सह नहीं पाएगी, और अभी इंजेक्शन का असर खत्म होने वाला है। अगर वो उठ गई ना तो हमें उसे संभालना पड़ेगा। प्लीज बात कर हॉस्पिटल में। हेलो, रुक जा यार। रुकना यार, नरेश इज नॉट वेल। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से उसको ब्रेन इंजरी हो गई है। व्हाट? एंड उसके बचने के चांसेस आर वेरी रिमोट। भाई अब क्या होगा? आई डोंट नो क्या होगा। आई डोंट नो क्या करेंगे। नरेश, शीना उठ गई। क्या कर रहे हो? प्लीज नरेश को ठीक कर दो। शीना संभालो अपने आप को। श्रीराम जी का दिन है। इससे पहले आज तो बहुत शुभ दिन है। जब आज शुभ दिन है तो मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? ना भाई, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नरेश का ठीक हो रहा है। देखो, श्रीराम सब ठीक कर देंगे। जय श्रीराम। श्रीराम। जय श्रीराम। Hello there, Aloo. How are you? Hello, doctor.
How is Naresh Tyagi doing? Unfortunately, Naresh Tyagi's excessive alcohol consumption with a brain injury has led to severe brain damage. However, thanks to immediate medical attention, we do have a chance and his heart is still functioning. Will he survive? At this point, we have a fighting chance. Like earlier this morning, we were ready to declare him deceased. But somehow, we see a movement on the monitor and we do hope for his recovery. How did you make that happen? So we exhausted all possible medical intervention and we didn't see any response, to be honest with you. And then something unexpectedly extraordinary happened and there was this mysterious surge of energy and we hear a sound from him, something like Sheena. Yeah, and then immediately when we heard that sound, we looked back and there is a pulse on the monitor. Okay then, I'll speak with you pretty soon about it. Take care, bye bye. आलोक सर का फोन। यस सर। हाउ इज शीना? इज शी अवेक? कैन आई टॉक टू हर? यस सर, शी इज नॉट गुड बट वी आर विद हर। हेलो। यस। हेलो। आलोक। मेरे नरेश के पास। तू रोते क्यों है? सब ठीक हो गया। चमत्कार हो गया। तेरे प्यार ने उसे जिंदा रखा। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? मैंने गलत किया ना? नहीं 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 नहीं, लव कैन डू नथिंग रॉन्ग। वो ठीक हो जाएगा। मिलना तो होगा, लेकिन थोड़ा तो टाइम लगेगा। योर स्माइल विल ब्रिंग हिम बैक। जय सियाराम। वेरी शीना, वो नहा रही है। तू उसके यहाँ काम करती है क्या? नौकर है उसकी। What is this behavior? Shut up यार and get back to work, please. मैं वापस नहीं आ रही। जब तक शीना ठीक नहीं होती, मैं वापस नहीं आऊंगी। शीना ठीक नहीं होती, वापस नहीं आऊंगी मतलब? इतने सारे काम पेंडिंग है, who'll do that? हमने उसे कितना नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें अक्कल है? हार्टलेस हो क्या? अरे यार, मैं शीना को भी वही बोलने आया हूँ कि there is a lot of work जो पेंडिंग है और हमें कंप्लीट करना है कॉन्ट्रैक्ट की। इस हालत में? इस हाल? नहीं, वो वापस नहीं आएगी, अभी तो बिल्कुल नहीं, उसे मेरी जरूरत है। यार तुम लोग मुझे क्यों ब्लेम करते हो इसी? हाँ, तू और आलोक दोनों मुझे ही ब्लेम करते हो। वो नरेश इज नॉट गोइंग टू डाई। शीना वो जा। Doctor, what's your update on Naresh? Mr. Alok Chatterjee, I was expecting your call. What happened is beyond our expectations. Are you ready to hear that? Naresh will be out of ICU very soon. What are you saying? Are you sure? Yes, even we can't believe. Like literally this is a miracle, I'm not gonna lie. We can't even believe, this is just beyond our expectations. Great job, Commandable! Thank you, Doctor. Great news! Naresh is out of ICU! Seriously? Sheena, the news is even better than what I told you earlier. Naresh will be brought home from the ICU. He is completely fit. Naresh ghar aa raha hai. Sach? Haan? Jai Siyaram. Thank you so much. आयशा, नरेश घर आ रहा है। चलो घर डेकोरेट करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, उसको लगना नहीं चाहिए कि वो बीमार है।
दिल के ख्वाब कुछ ऐसे जागे, जाना है, जाना है। सुहाने सपनों से भरा ये संसार, बंधनों से आजाद है हमारा प्यार। दूर भले ही हो मन की मंजिल हमारी, घर साथ हैं हम तो मिलेंगे आखिरकार। In a world where dreams come alive, our unconditional love will truly thrive. With hearts ignites as we soar high, seeking the unknown, reaching for the sky. Breaking free from the norms that confine, we embrace a love's essence so divine. In a domain where love knows no bounds, we create a symphony, its melodies resound. नरेश, इनकी याददाश्त चली गई मैडम। What? हाँ, सर में थोड़ी चोट आई है, इन्हें आराम की जरूरत है। नरेश, I'm your Sheena. And see, this is a new house. मैडम, इनको थोड़ा आराम करने की जरूरत है, प्लीज आइए। मैडम, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो इनकी फिजिकल फिटनेस के लिए हैं, और इनकी बॉडी में जो अल्कोहल है उससे छुटकारा पाने के लिए भी कुछ दवाइयाँ हैं, और ऑब्वियसली बूस्ट करने के लिए, मेंटल बूस्ट। आपको ये दवाइयाँ सुबह और शाम रेगुलरली देनी पड़ेगी। आप प्लीज़ इनका ख्याल रखिएगा। चिंता मत करो, हम ये एक्सरसाइज रोज करेंगे और मैं हर दिन आता रहूँगा, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। बाय। ओके मैम, मैं चलता हूँ, आप प्लीज दवाइयों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम। क्या ही सोचता है इंसान, क्या ही हो जाता है। यू नो व्हाट, मैं किसी भी सिचुएशन में ना नरेश को अकेला नहीं छोड़ सकती। कितने भी एफर्ट्स लगेंगे ना, कितनी भी मेहनत लगेगी, कितना भी स्ट्रगल क्यों नहीं लगेगा, पर मैं उसको एकदम सब याद दिला के रहूंगी। वो हमारा प्यार, वो हमारी शादी, हमारे झगड़े, घूमना फिरना, हर एक चीज मैं पूरी शिद्दत, पूरे दिल के साथ करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट माई नरेश बैक। तुम ये कर लोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स, डोंट वरी। Now go, get up, jump. Sure. Bye. Good night. Bye-bye. Good night. Thanks. कुछ चाहिए तो बोलना। हाँ। Yeah, sure. नरेश, तुम्हें याद है हम मसूरी गए थे, और फिर तुम्हें याद है कि जब हम सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पे चढ़े थे, तब तुमने मुझे ऐसे पीछे से पकड़ लिया था इस तरह से, और फिर तुमने मुझे ऐसे हवा में उछाला, और फिर तुमने मुझे कहा बेबी आई लव यू द मोस्ट। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय नरेश, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बेहतर लग भी रहे हो, बेहतर। आज का सेशन शुरू करें? Yes. आज हम कर रहे हैं मेडिटेशन, ठीक है? तो फ्रेश फील करो, आंखें बंद करो, और जो जो मैं बोल रहा हूं उसको इमेजिन करो। तुम्हारे सामने खूबसूरत घास का मैदान है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है,
तुम्हें तुम्हारा घर दिखाई दे रहा, तुम्हारी बीवी। ओके रिलैक्स, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? गुड, चलो अभी थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। पंजा लड़ाओगे? चलो मुझे आरा देंगे। घबराइए मत, ये डॉक्टर के कहने पर मैंने कब थेरेपी की। कब थेरेपी जी? उससे क्या होता है? ये टेबलेट से ज्यादा रिकवरी होती है, इससे विद इन अ वीक आई गेस ये ठीक हो जाएंगे। इस थेरेपी से इनके ब्लड के जो बैड टॉक्सिंस है वो निकल जाएंगे और निशान रहेंगे नहीं ना। नहीं नहीं, ये चले जाएंगे विद इन अ वीक चले जाएंगे। नरेश, नरेश ठीक हो? हां डॉक्टर, यहां पेन तो नहीं हो रहा थेरेपी की वजह से? कितने अंडे चाहिए भैया? बोलो भाई। नहीं पहचाने हमको? हम सोनू। भैया सोनू, अंडा देने आते आपके यहाँ? एक ही गांव से तो है हम। गांव? हाँ, अपना गाजियाबाद। अरे गाजियाबाद से हो? हाँ भाई, कितने वक्त से गांव नहीं गए हो? बहुत टाइम हो गया भाई। अरे हम भी अभी जाने का सोच रहे हैं, चलोगे साथ में? चलो तो फिर। हाँ साथ में ट्रेन में चलते हैं, मजा आएगा। चलिए। तो पता है शहर बदल गया है पूरा अपना, बहुत सारी सड़कें और बहुत पुल बन गए हैं। हाँ और अब जो वो कच्ची सड़क होती थी अब उस पे हाईवे बन गया है। और वो कल्लू हलवाई, उसने अपनी बड़ी सी दुकान खोल ली है और बहुत बदल गया हमारा घर। चलो चलो भैया, सभी लोग ना आपको देख के बहुत खुश होंगे। नरेश की दवाई का टाइम हो गया, मैं उसे दवाई देके आई हूँ। ओहो शीना, 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 नरेश घर पे नहीं है। नरेश नहीं है अंदर। Where is he? What? हाँ वॉशरूम में देखा? नहीं नहीं, वो वॉशरूम में भी नहीं है। Oh God. हेलो हेलो आलोक सर, सर नरेश घर पे नहीं है। हाँ हमने हर जगह देखा, शीना भी नीचे गई है। ओके ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। यस सर। आयशा मेरा दिमाग खराब हो गया है, कब से वो पता नहीं अंडे वाले के साथ चला गया यार, घर नहीं आया अभी तक। मैं कहाँ ढूंढूं उसको? एक मिनट रुक, देखती हूँ। मैडम ये आपके हस्बैंड है? जी नरेश। ये कहाँ गए, पता है आपको कुछ? सर पता नहीं, मैं ढूंढ रही थी। बोरी वाले स्टेशन पर गंजा फूक रहे थे अंडे वाले के साथ, और उसी के साथ एक ट्रेन में बैठने वाले थे, मुझे शक हुआ तो मैंने इन्हें पकड़ लिया। नरेश क्या है ये सब यार? मुझे अपने घर जाना है मेरठ। आपको कहीं नहीं जाना, कुछ याद तो रहता नहीं है आपको, कहाँ जाएंगे? मैडम एक काम कीजिए, इन्हें आप अंदर रूम में लॉक कर दीजिए, इनका बाहर घूमना ना आपके लिए ना इनके लिए सेफ है। और उस अंडे वाले के खिलाफ तो हमने FIR दर्ज कर लिया है और जेल में डाल दिया है। चलिए तुम अंदर प्लीज। मैडम थोड़ा ख्याल रखिए, आपके हस्बैंड है। सर कुछ प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं टाइम पे पहुंच गया, वरना कुछ भी हो सकता था।
आप तो जानती हैं, थोड़ा ध्यान रखिए इनको, डॉक्टर वॉक्टर के दिखाइए। चलता हूँ। I need a little more time. It's all happening so soon. I need a little more time. Alok, you do need to realize that his brain cells are completely damaged and I cannot give you any more time. You do need to understand that. This is a very serious situation. So what do you think? Do you think his memory is going to come back when he goes to his village? Alok, I want him back in my unit. So he can be under my observation. You need to realize that fact. Otherwise, उसकी memory कभी वापस आएगी ही नहीं। अरे लेकिन यहाँ से अगर वो village में चला जाएगा, तो वो आप कहाँ उसके पीछे पीछे भागोगे? वहीं तो उसका इलाज होगा। हेलो, आप जब यहाँ पे इसका इलाज कर रहे हो, तो उसको उधर जाने की क्या जरूरत है? मैं पूछता हूँ। Because that's gonna be better for him. You need to realize. How is it possible? Are you going to run after him? We are not going to run after him. Listen, if you try to roll up any tricks, I've got mine too. If I start... I'll jab you with this notice. Hello. That you're in no position to run away from the situation and let the patient run to his village. Well, it will take me literally a minute to write a notice against you as well, that you are forcing him not to do that. So, I can file that thing against you. Alright. I'll take this water. Oh, surely. Alright, but think calmly. Do what you want. Think calmly. Do what you want. It's best for Naresh. Think about it. Hey, Alok sir, please come. Tell me about Naresh. Has he got to his senses? No. Same situation. Please have a seat. How long is that going to continue? No idea. Why haven't you done it? Sir, please, जो treatment की आप मुझसे बात कर रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगी. I tried my best. And what is the reason? जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ वो हमेशा मुझे इस तरह से treat करते हैं जैसे आपसे पहले उसने मुझे देखा ही नहीं है. So that is obvious. I'm like an unknown person to him. So you have got all these hang-ups, unknown. Now... He's behaving like a stranger. I don't think anyone can help you. It's all in your hands. He goes back to his village and I'll lose my promised employee. Please. If that is how it is going to be, whatever you think you do, I'm giving you the only till tomorrow, okay? I am in a hurry and I'm going. Sir, please, good luck to you, good luck. All the best. Do what you think is right. Hello, Aisha. Haan, Sheena. Yaar. Kya ho gaya? Mera dimag kharab ho gaya hai. अरे आज आलोक सर आए थे. ओके मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नरेश के साथ सब कुछ करूं उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए, पर जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करते ही बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, ही इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेंजर. शीना वो सही बोल रहे हैं, अगर तुझे नरेश की याददाश्त वापस लानी है तो तुझे करना होगा. कम ऑन, नरेश के लिए, हमारे लिए, कम ऑन. नहीं हो रहा है यार. तू कर सकती है यार, थोड़ा और, बस थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा. I tried my best. नहीं हो रहा है. शीना सुन तो. You can do it. Come on. I'm feeling helpless. अरे, you can do it. Come on. मैं नहीं कर पाऊंगी. मुझसे नहीं होगा. शीना सुन तो. शीना सुन ना यार. नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. Please. शीना don't get frustrated. शीना. God. Hello. Hello sir. मुझे अभी शीना का कॉल आया था, वो बहुत रो रही थी सर, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है.
मैंने उसे बोला था कि उसे नरेश के साथ ही रहना है। Yeah, I told her the same thing. सर, अल्लाह भी जानते हैं कि मेरी सिर्फ यही मन्नत है कि बस शीना खुश रहे। मालूम है तुझे तो वो जान से भी प्यारी है। बस ईद का दिन है, अल्लाह मियां को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। राम और रहीम हमारे साथ है। तू तो माशाल्लाह ऊपर वाले की देन है। सर अब क्या कर सकते हैं? अब और कुछ नहीं, सब ठीक है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। All is destined. Let's stay positive. ठीक है सर। You have done your best. Thanks for calling. God bless. Thank you sir. God bless. Hey, look, what the hell? My client calls me. He tells me Naresh is dead. Sheena has gone poof. That little shit, Ansari, gives him a call. Who the hell is he to give him a call? The guy tells him, the client is now telling me I'm going to cancel the contract. Sheena is nowhere to be seen, his sister is nowhere to be seen. And this guy, Ansari, complete piece of shit, knows nothing. Cool it, cool it. I'm going through all that shit. You think I knew about it? You know, when did I come to know? When I got the call from the hospital. And what has been registered? It's an accident. But Alok, why didn't you call me? You think I had a time to call you? Or I had time to do all these things? How much do I have to do? Do you know what my situation is at this moment? Let me tell you the whole thing. Now that you've come, you might as well hear the whole thing. What is the whole thing? I get a call from hospital. This is what has happened. Then how do I know the rest? I had Trish as a guy who told me everything. And no way I could talk to Sheena because Sheena had collapsed because Sheena had actually hit him. And how did I know the entire story? From the brother and the sister. Those are the only people I could meet because Trish told me that Sheena has been injected, otherwise she'll be in trouble. She would have gone, she would have collapsed. She has been injected. She was not in her senses. So what do I do? Who do I talk to? I want to set the things right. Do you know as a result what has happened? First of all, as you said, Naresh is dead. Yes, he was dead. But he's not. He was an alcoholic with such a big hit on the head. He had no reason to live. Somehow, he's living. So, there is some possibility. And then, I said, okay. If he gets alright, then Sheena is back in a job. And we'll make it happen gradually. But do you know what has happened? What? He's lost his memory. What? And do you know what is still worse than that? That he can get his memory back. He happened to talk to a vendor from UP, egg vendor. What? And he started getting some memories and things like that. He wanted to go back to where he belonged. Do you know what that would have done? These two, Sheena and Naresh, would be living only then in their hometown. They had a lot of tough time getting to Bombay and work with me. And then this contract. And Sheena did not want to go. Because the sas-sasur problem was there. Yeah. I told Sheena that you bloody well do it right. You better, this is a contract. Do you know what else happened to me? I went to the consultant, Dr. Rituraj. Have you heard about Dr. Rituraj? Oh, I know. He's an expert in this. Yeah, I know. He's famous. So what does he tell me? He tells me, if you don't send him to UP, you have a crime on your hand. Seriously? Yeah. That bastard had a gall to say that. I just wanted to get up and slap him. But I was in no position to do anything.
Today, I want Sheena to perform. And perform in bed. Wow. That's the only way out. That's great. That's the only way out. That is the only way. Please help me, God. I tried my best, please. Please, Naresh ki yaadash wapas la do. Please get back his memory. Show me this. क्या हुआ? क्या याद आ रहा है? जानी पहचानी लग रही है। आपसे कुछ टाइम पहले जैसा लग रहा है ये बैंगल मैंने अपनी वाइफ शीना को आपको शीना याद है? मुझे याद आ रहा है। थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो। You are my Sheena, right? आपको याद है? आपने बैंगल्स मुझे पहनाई थी? हाँ। एक बार फिर से पहनाओ। आपको याद है पहली बार भी आपने ऐसे ही पहनाई थी? और ये हाथ में आ नहीं रही थी एंड यू प्रेस माय हैंड एंड होल्ड यू आर बैक अंसारी क्या हाल है मेरे भाई मुबारक नया रूप सो हैप्पी टू सी यू यार यस ओह माय गॉड यार ये अच्छा लगा यार yes. तुझे देखकर बहुत खुशी हुई बैठ अंसारी शीना आयशा ईद मुबारक सुन मेरी बात अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर दी अब नरेश ठीक हो गया है एकदम फिट मैंने कुछ लाया तेरे क्या है घर की बनी हुई बिरयानी आयशा ये ईद के नाम और तुम्हारे नाम ईद मुबारक ईद मुबारक तो बताओ नरेश कैसे टेक ओवर करोगे आगे देखते हैं अभी प्लानिंग तो बहुत कुछ है नहीं जाते शुरू अरे आलोक सर का वीडियो कॉल आ रहा है अच्छा मैं स्क्रीन पे कनेक्ट कर देती हूँ सब लोग आराम से देखते हैं Congratulations, Naresh, Sheena. Time to celebrate. Thomas and I are with you guys. Cheers. Cheers. Hip hip hooray. Hip hip hooray. Well, we are so grateful to Aisha for pouring her heart out. Dil se pukar uski jo thi. Ye Aisha ne Sheena bhi ye to Ram aur Rahim dono ko pukar di. और वो भी कौन सा दिन ईद का दिन ऑस्पिशियस डे ऑफ ईद लेट्स
You know, Thomas, Sheena has been the bone of contention between all three of you. Yeah. You, Ansari, Naresh. Yeah. But not anymore. Naresh is with us. So is Sheena. They're together. Once they're together. My God. See, Naresh had all the business to exactly know what's going on in Sri. And he did a great job. Naresh did a great job. Naresh, you've been working for Thomas and Trish has seen all the fights you've created. On the merits and demerits of fear. Tremendous amount of work. Bhale khunnas mein kiya ho, lekin bahut kaam kiya. Great job. Ab to soulmates mein anbani nahi rahi. They are together from heart and mind. दिल और दिमाग के साथ हो तो प्यार में जीना सीख लो. Now you three have the same agenda as Thomas, Ansari, Naresh. इन दोनों की भी कोई अनबन नहीं रही. When enemies join hands, they become a force to reckon with. Thomas, well, this make my task easy. I have an announcement to make. Naresh has been promoted to vendor relationship manager. Well done. Congratulations, yaar. Yaar, taali to bajao, yaar. Sab log, yaar. Exactly. New beginnings. Ab to sab zimmedari. Kya zimma Naresh ne liya? Cheers. God bless you. Thank you. Bye, sir. Bye. Please, Kumar. So, let's have a chat with our new relationship manager. तो इसी बात पे शायरी हो जाए? अरे वाह. रिशाद, रिशाद. दिल के अरमानों का इतना है फसाना, भुला दे सारे फिक्रों का जमाना. समा समान दिया है. मैं भी बोलूं? हाँ, क्या बात है. प्यार में मर गए लाखों दीवाने. अरे प्यार में मर गए लाखों दीवाने. प्यार लिखा सकूं तो हम जाने. Like a phoenix, we soar, leaving behind the past, shedding the weight of attachment that won't last. To rise in love, we must let go and set free, embracing the beauty of love's purity. Ishq ki raahon mein hum chal rahe hain, dil ki baaton mein khoye ja rahe hain. Har pal, har lamha, tumhare saath hai. Yeah.